नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स. द टेबल गिवन बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी. एक लोकेलिटी है ठीक है, वहाँ पे टोटल कितने हाउसेज है 25. तो देखिए ये टोटल कितना हमारे पास 25 से लिख लेते हैं, कितना है टोटल हमारे पास 25. इसको हम समीशन FI बोल सकते हैं ठीक है. अब उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो ये हाउसेज हैं इनके जो एक्सपेंडिचर है उसको एनालाइज किया गया, तो क्या मिला कि 4 हाउस ऐसे हैं जिनमें जो डेली का जो खर्चा है एक्सपेंडिचर है वो 100 से 150 के बीच में है. 5 हाउसेज ऐसे हैं जिनका एक्सपेंडिचर 150 से 200 के बीच में है. तो ये क्या है हमारा एक्सपेंडिचर दिखा रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे नंबर ऑफ हाउसेज की बात की गई है. अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे निकालना है मीन बाय स्टेबल मेथड. जो फूड पे जो डेली का एक्सपेंडिचर है 20 हाउसेस का, उस पे आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है. और कोई भी मेथड लगाइए आप अपने अकॉर्डिंग, चेक करके कि आपके लिए स्टेबल मेथड कौन सा है. तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है, FI लिख सकते हैं इसको हम. ये क्या है हमारे पास, क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल गिवन है. अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्लास मार्क्स. क्या निकालना अभी हमें, क्लास मार्क्स. और क्लास मार्क्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, XI से रिप्रेजेंट करते हैं. पता चली गया होगा आपको क्लास मार्क्स कैसे निकाल लेंगे. दोनों को ऐड कर दीजिए, लोअर लिमिट अपर लिमिट को 2 से डिवाइड कर दीजिए. तो दोनों को ऐड किया हमने कितना आया 250 को 2 से डिवाइड किया है तो कितना आया 125. फर्स्ट नंबर आ गया है. अब सेकेंड नंबर क्लास मार्क्स कैसे लिखे हम, आपको क्या करना है इसमें डिफरेंस चेक कर लीजिए, इन सभी के अंदर डिफरेंस क्या है. 50-50 का डिफरेंस है तो इसके अंदर 50 ऐड कर दीजिए आप, 175. अब इसके अंदर क्या ऐड करेंगे आप, 50 ऐड करेंगे 225. फिर से 50 ऐड करेंगे 275. फिर से आपको क्या करना है, 50 ऐड करना है तो 325. तो हमने क्या किया यहाँ पे, क्लास मार्क्स निकाल लिए हैं. इस तरीके से भी कर सकते हो, दूसरा कैसे कर सकते हो, इन दोनों के बीच में क्या नंबर होगा 150 और 200 के बीच में 175, यहाँ पे क्या होगा 225, यहाँ पे क्या होगा 275, 300 और 350 के बीच का नंबर कौन सा होगा हमारे पास 325. ठीक है, क्लास मार्क्स आ गए हैं. अब लिख लीजिए आप किस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाह रहे हैं. अब देखिए अगर मैं FI XI से करूँ तो यहाँ पे इसको मेरे को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसको कर रही हूँ स्टेप डेविएशन मेथड से. कौन से मेथड से इसको किया जा रहा है यहाँ पे, स्टेप डेविएशन मेथड से. एक्स बार निकाल रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड से. पता आपको फॉर्मूला क्या है, ए प्लस समीशन FI UI बाय समीशन FI into H. ये है फॉर्मूला हमारे पास ठीक है. अभी हमें क्या मानना पड़ेगा यहाँ से, एज्यूम मीन मानना पड़ेगा. तो देखिए एज्यूम मीन किसको मान सकते हैं, सेंट्रल नंबर को मान सकते हैं. टोटल 5 है तो सेंट्रल कौन है हमारा 225 है ठीक है. हाइट, जो क्लास हाइट है, जो क्लास विड्थ है वो कितनी हमारे पास 50 है ठीक है. तो क्लास हाइट कितनी हो गई हमारे पास 50. तो हमारे पास ए कितना मानना अभी हमने यहाँ पे 225, हाइट कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 50. ये आगे जब हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रखेंगे तब हम वहाँ पे यूज़ करेंगे कि ए कितना हमने यूज़ किया, एच कितना यूज़ किया. अब देखिए हमें निकालना है FI UI. तो UI तो तभी निकलेगा ना जब हमारे पास DI आएगा. तो DI निकाल लीजिए पहले. DI किसके इक्वल होता है, X - XI - A. अब देखिए XI क्या है आपका, ये नंबर है 125 माइनस ए. ए क्या है, एज्यूमिंग. एज्यूमिंग कितना आपके पास 225. XI माइनस कितना है आपके पास A. A कितना आपके पास 225. इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 100, यहाँ पे माइनस का 50. इसमें से इसको माइनस करेंगे 50, इसमें से इसको करेंगे तो 100. तो ये आ गई हमारे पास क्या, DI की वैल्यू. अभी हमें क्या निकालना है, UI. तो UI कैसे निकालते हैं, DI बाय H. अच्छा, ये और एक और तरीका बता रखा है मैंने आपको UI निकालने का, सबसे इजीएस्ट वे. जीरो के सामने लिखिए 0,
जीरो से ऊपर माइनस वन माइनस टू, जीरो से नीचे प्लस वन प्लस टू। और मैंने निकाल के भी बता रखा आपको कैसे इसको निकाल सकते हैं हम। डी की वैल्यू लीजिए माइनस हंड्रेड, इसके बाय में एच रख दीजिए, एच कितना है 50, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2। तो इस तरह से आप सभी की चेक कर सकते हो, सेम ही वैल्यूज आएंगी आपकी, हटा दे रहे हैं इसको भी हम। अब हमें क्या निकालना है नेक्स्ट, हमें चाहिए यहाँ पे एफ आई यू आई, एफ आई यू आई मतलब एफ आई ढूंढिए, ये है आपका एफ आई, टिक कर लीजिए इसको यहाँ। यू आई कौन सा आपका, ये है। इन दोनों की आपको क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए कितनी छोटी मल्टीप्लिकेशन हो गया, 4 की 2 से ही करनी है आपको, ठीक है। यहाँ पे तो आपको इससे मल्टीप्लिकेशन करना था, लॉन्ग था आपका, अब तो आपका और इजी हो गया है। तो 4 को 2 से कीजिए माइनस 8, 5 को माइनस 1 से कीजिए माइनस 5, 12 को 0 से कीजिए 0, 2 को 1 से कीजिए 2, 2 को 2 से कीजिए 4। देखिए कितना सिंप्लीफाइड हो गया हमारा। अब हमें यहाँ पे जरूरत है समीशन एफ आई यू आई की, इनको जोड़ दीजिए जो प्लस के हैं 6, इनको जोड़ दीजिए जो माइनस के हैं 13, ठीक है। 8 और 5 कितना हो गया आपका माइनस का 13, तो कितना आएगा आपके पास 7, माइनस का 7 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया माइनस का 7। किसकी वैल्यू आई है ये, समीशन एफ आई यू आई की। रख दीजिए अब यहाँ पे, हर चीज का पता है हमें, यहाँ पे रखिए ए कितना है, ये था ए 225, प्लस समीशन एफ आई यू आई कितना है माइनस 7, एफ आई कितना है समीशन 25, और हाइट कितनी है 50, हाइट कितनी है 50। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, इसको हटा दीजिए क्योंकि ये क्या है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो सोल्व कीजिए, कितने पे कैंसिल करेगा इसको, ये 2 पे कैंसिल करेगा, लगा लीजिए यहाँ पे ब्रैकेट 225 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 14, 5 में से 4 माइनस किया 1, 2 में से 1 माइनस किया 1, ठीक है 2, तो 211 क्या है हमारे पास आंसर यहाँ पे 211, 5 में से 4 माइनस किया 1 है, 2 में से 1 माइनस किया 1 है और 2 है, तो 211 क्या आ गया हमारे पास, मीन आ गया है। किसका मीन, जो हाउसेज हैं हमारे पास 25 हाउसेज, उनके जो डेली फूड पे एक्सपेंडिचर है उसका मीन कितना आ गया है 211, और लास्ट में क्या लगाएंगे आप यूनिट, रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, डेली एक्सपेंडिचर रुपीज़ में दे रखा था।